आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। मिठाई भी ऐसी होगी जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और दोस्तों, बहुत ही कम सामान में हम ये मिठाई तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए हमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम मिक्सी में आधा कटोरी चीनी ली है मैंने, 3-4 इलायची ली है और 10 से 20 काजू लिए हैं। इसे मिक्सी में पीस लेंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल में मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाला है और आधा कटोरी लेंगे मिल्क पाउडर, और जो हमने चीनी पीसी थी उस चीनी को डाल दिया है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें हल्का सा लेना है दूध। दूध को आप इकट्ठा ना गिरें, एक एक चम्मच करके डालें, और डालने पे इसे ऐसा डो बना लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं, उस तरीके का हम डो तैयार कर लेंगे। और इसे 2 पार्ट में हम बांट लेंगे। एक मैंने सिंपल रखा है और एक में मैं थोड़ा सा कलर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत हल्का सा कलर डालना है, ज़्यादा कलर से इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, कलर डाल के इस तरीके से जैसे आटे का डो लगता है ऐसा डो बना लिया है मैंने। अब इसे मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर पे आप देसी घी लगा लें हल्का सा हाथों पे, और इस तरीके से बेल लें। और मैं जो डिज़ाइन देना चाह रही हूँ वो डिज़ाइन मैं तैयार कर रही हूँ, और बेलन पे भी लगा लें। इससे क्या होगा, आपके जो मिठाई की आप जो शेप देना चाहते हैं वो आसानी से आ जाएगी, क्योंकि बटर पेपर लगाने से क्या है, ये चिपकेगा नहीं, बहुत आसानी से आराम से निकल जाता है। तो मैंने इसलिए बटर पेपर का यूज़ किया है। और आपका जो मन है आप उस तरीके की शेप दे सकते हैं। दोस्तों, ना इसमें मावा डाला है हमने, ना चाशनी, ना घी, और ना गैस जलाने का झंझट है। बहुत ही कम सामान में तैयार हो जाती है ये मिठाई, और हलवाई से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छी मिठाई तैयार होती है। बिना मिलावट के हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। और त्यौहार के समय जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, भैया दूज, इस टाइम तो हलवाई की दुकान पे भी इतनी मिलावट होती है, तो उसकी मिठाई हम कोशिश यही करनी चाहिए ना ले, और अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत आसानी से हम घर में तैयार कर सकते हैं। अब ये डिज़ाइन बना लिया है मैंने, देखिए इस तरीके से गोल बना ली है, और मैंने चांदी की वर्क लगाई है इस पर। आप चाहें तो इसे ना लगाएं, और इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर हमें जल्दी है तो फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें आप 1 से 1.5 घंटा, और नहीं तो ये पंखे में 2-3 घंटे में सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद आप इसे चाकू से काटिए, जिस शेप में भी आपको अच्छी लगती है आप उस शेप में चाकू से इसे काट लीजिए। और ये बहुत ही अच्छी, मुँह में घुल जाने वाली, बहुत आसान तरीके से बनने वाली मिठाई तैयार हो चुकी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और देखिए देखने में भी कितनी सॉफ्ट है, और खाने में भी इतनी ही सॉफ्ट होगी। और देखिए, देखने में 2 कलरफुल डिज़ाइन लग रहे हैं। बच्चों को बना के दीजिए, जब भी बच्चों को घर में खाने का मन करे तो आप फटाफट इसे बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं है कि हमें गैस जलानी पड़ेगी, या हमें मावा तैयार करना है, चाशनी तैयार करनी है, ये घी हमें डालना है इसमें। बिल्कुल 2-3 सामान से आप एकदम तैयार कर सकते हैं, और ये बनके तैयार हो चुकी है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।